दे कैबिनेट मंत्री सुखू सरकार दे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह दे इस्तीफे दे उत्ते सस्पेंस बनिया होया है। काबले गौर है कि हुण तक मंजूर नहीं होया इस्तीफा, ते दूजे पासे विक्रमादित्य दे वल्लों भी साफ कर दिता गया कि उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं लिया। साडे लई संगठन सब तों उत्ते है, विक्रमादित्य कहिंदे होए नजर आए। काबले गौर है कि दिन दे विच जदों इह पूरा घटनाक्रम वापर रहा सी, खास तौर ते राज्यसभा दे विच कांग्रेस दे उम्मीदवार दी होई हार तों बाद विक्रमादित्य सामने आए ते कहा कि मैनू नजरअंदाज किया जा रहा है सरकार दे विच, मेरे पिता दे बुत नूं लगाउण दे लई थां तक नहीं दित्ती गई सरकार दे वल्लों, इस करके मैं स्टेप डाउन कर रहे हैं अपने अहुदे तों। सरकार दे विच जिहड़ी कैबिनेट है उस तों स्टेप डाउन कर रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा देण दा ऐलान कर दिता। ते उस तों बाद इह खबर आईआं क्योंकि सुखविंदर सिंह सुखू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश थोड़े जे सॉफ्ट जरूर नजर आए विक्रमादित्य नूं लैके, ते उन्होंने कहा कि मेरा तां छोटा भरा है, गिले शिकवे असीं बैठ के दूर कर लवांगे। मीटिंगां हुंदियां ने, उस दे विच पहुंचे हुए सी प्रतिभा सिंह भी पहुंचे हुए सी, ते उस तों बाद इह क्यासराईआं लगियां कि विक्रमादित्य ने अपना इस्तीफा वापस लै लिया। पर जदों विक्रमादित्य खुद मीडिया के सामने पहुंचे तो उन्होंने क्लीयर किया कि मैं अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया, यानी कि अजे भी सस्पेंस तां सीधे तौर दे उत्ते बणिया होया है। और काबिले गौर यह भी है कि विक्रमादित्य का इस्तीफा हुण तक सीएम दे वल्लों एक्सैप्ट भी नहीं किया गया है। ये जो सिचुएशन है ये मेरी वजह से तो बनी नहीं है, ये सिचुएशन जो कुछ विधायकों ने जो ये काम किया है उसकी वजह से ये चीज़ हुई है, तो उसके लिए ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, उसके लिए सब से बात हो रही है, सब उस बात को सुन भी रहे हैं, सब उस बात को ऑब्जर्वर्स देख भी रहे हैं। जहाँ तक मेरे इस्तीफे की बात है, मैंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। मैंने ये कहा है कि मैं अपने इस्तीफे को जब तक ऑब्जर्वर्स की फाइनल आउटकम नहीं आता तब तक मैं उसको प्रेस नहीं करूँगा, उस पर इंसिस्ट नहीं करूँगा। कि कुछ बातें जब से सरकार बनी है ठीक नहीं चल रही थी, तो हमने ये बार बार अपने हाईकमांड के पास भी और ये बात उनके ध्यानार्थ भी लाई, और हम चाहते थे कि वो बैठ कर रेजोल्यूशन इसका निकालते, उनको भी बुलाते हमें भी बुलाते और इस बात का सोल्यूशन निकाल कर आज हम इस स्थिति पे ना पहुंचते। अब एक साल से ऊपर हो चुका है, इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हम इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं। जहाँ तक विक्रमादित्य की रेजिग्नेशन की बात है, उसने पार्टी से नहीं इस्तीफा दिया है, उसने कैबिनेट से इस्तीफा दिया है, और उसने अभी भी प्रेस को यही कहा है कि आई हैव रिजाइंड, दो चीफ मिनिस्टर हैज नॉट एक्सेप्टेड इट, दैट इज़ फॉर द पीपल हु हैव कम एज ऑब्जर्वर्स, दैट इज़ फॉर देम टू सी कि अब इस पे क्या करना है। उससे पहले पीसीसी चीफ से मिले, पीसी चीफ की राय ली, विक्रमादित्य सिंह जी से मिले, उनसे भी राय ली और सारी बात ली, और इनको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हाईकमान ने भी इनसे काम से बात हुई, जो हमारे ऑब्जर्वर्स उनसे सबसे बात हुई, और इसके बाद अब ये तय किया है कि ये अब अपने